आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी मिक्स नमकीन। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक कप चने का दाल ले रही हूँ और साबुत ये मसूर की दाल है, मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है। और इसमें हम जो है एक आधा आधा चम्मच जो है हम इसमें सोडा डालेंगे, और सोडा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए, इसे हमने रात भर भिगा के रख दिया था, और इसका पानी निकालने के बाद हम इसे मलमल या किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे रख देंगे, और इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम सुखा देंगे, और इसे जो है रख देंगे एक घंटे के लिए। हम आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि इसका जो है पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर जो है हम इसे तलेंगे। तो फिर अब हम इसे रख दे रहे हैं एक घंटे के लिए, इसे छोड़ देंगे। और अब हम सेव बना ले रहे हैं। तो सेव बनाने के लिए हमें जो है बेसन को छान लेना है। तो हम यहाँ जो है एक से डेढ़ कप हम यहाँ बेसन लेंगे, और बेसन को अच्छे से हम छान ले रहे हैं। और छानने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हम नमक डालेंगे, और एक चम्मच हम इसमें जो है रिफाइंड ऑयल डालेंगे, और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे जो है एक अच्छा सा डो बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। इसी तरह का हमें जो है बेसन का डो हमें बना लेना है। और हाथों में तेल लगा लेंगे और तब इस तरह से जो है करेंगे, तो ये बहुत ही आराम से हो जा रहा है। और इसे छोड़ दे रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और हम बूंदी बना ले रहे हैं। तो बूंदी के लिए हमने आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी, और एक चम्मच जो है हम इसमें जो है थोड़ा एक चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका जो है एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। तो हमें इस जो है बूंदी के घोल को जो है बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस इतना रहे कि हम जब छलनी में डालें झरने में तो वो अच्छे से जो है गिरे, और बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो वो अच्छे से बनेगा नहीं। और इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से फेंट लेना है। जब आप अच्छे से जो है इस बूंदी के बैटर को फेंटेंगे तभी हमारी बूंदी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम दो तरह की बूंदी बनाने जा रहे हैं। तो एक बूंदी हमारा येलो रहेगा और दूसरा हम ग्रीन बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा जो है फूड कलर डाला है, ग्रीन फूड कलर, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर वाली बूंदी जो है बहुत ही अच्छी लगती है, नमकीन में देखने में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है। तो ये देखिए, दाल हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। हमें बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, सिर्फ इसका जो है जो इस पर पानी लगा रहता वही हल्का सा जो है सूख जाए बिल्कुल से। और अब हम लेंगे एक जो है ये निमकी मेकर लेंगे, और ये देखिए ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से जो है मिल जाता है। तो हम एक बारीक वाली और हल्की सी मोटी वाली और ये वाली, हम तीन तरह का हम सेव बनाएंगे। तो हम इसे ऑयल से ग्रीस कर ले रहे हैं। तो अच्छी तरह से हमें इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और अब ये देखिए, हमारा बेसन का बैटर जो है अच्छे से सेट हो गया है। और हम हाथों में हल्का सा तेल लगाएंगे और इस तरह से इसे जो है हाथों से रोल करते हुए, ताकि वो जो है हम सांचे में अच्छे से डाल सकें इसे। तो इस तरह से करके हमें सांचे के अंदर इसके डाल देना है, और फिर ऊपर से इसे हम इस तरह से रख देंगे, और ढक्कन को इस तरह से हम बंद कर देंगे, इसे अच्छे से टाइट से बंद कर देंगे इसे। और फिर हमने रख दिया तेल गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए सेव बनाने के लिए। और फिर अब इस तरह से हम जो है सेव बना ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, लेकिन सेव बनाने के लिए तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल हमारा अच्छा गर्म होगा और जब हम सेव डालेंगे तो वो जो है अपने आप से वो ऊपर आ जाएगा, और अच्छा गर्म नहीं रहेगा तो तले में चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म था और सेव जो है तैर करके ऊपर आ गई है। और इसे अब हम दूसरी साइड पलट देंगे, और इसी तरह से दोनों तरफ से हमें हल्का हल्का जो है फ्राई कर लेना है अच्छे से, और फिर इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम इसे एक एब्जॉर्ब पेपर पे निकाल लेंगे, और फिर दोबारा से भी जो है हम सेम प्रोसेस हम फ्राई कर ले रहे हैं, तल ले रहे हैं सेव को।
तो दोबारा भी हमारी सेव फ्राई हो गई है और हम इसे जो है निकाल ले रहे हैं। और अब हम हल्की जो है मोटी वाली सेव हम बना रहे हैं, और ये हल्की मोटी सेव है तो हमें फ्लेम को थोड़ा लो ही रखना होगा और इसे थोड़ा और दो और थोड़ा और इसे हम जो है तलेंगे ताकि जो है अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी ये फ्राई हो जाए। और अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे जो है हम इसे तलते हैं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो हमें मीडियम लो फ्लेम पे इस सेव को भी अच्छे से तल लेना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे दोनों तरफ से तलने के बाद। और ये वाली अब हमारी तल गई है और अब हम इस तरह की भी निकाल ले रहे हैं, इसे भी हम तल ले रहे हैं। और इसको फ्राई करते समय हमें तेल को हल्का लो फ्लेम पे ही रखना होगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, और मीडियम लो फ्लेम रहेगा तो ये हमारा जो है एकदम क्रिस्पी करारे जो है तल जाएंगे। तो हमें दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से इसे क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। और अब हम जो है बूंदी बनाएंगे, तो हम जो है इस तरह का जो है हम एक चम्मच लेंगे और इस पे बूंदी को डालेंगे, और बूंदी आप जितने ऊपर से गिराएंगे बूंदी उतनी ही गोल और अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम इसमें जो है इस ग्रीन वाले बैटर को डालेंगे और हल्के हाथों से हिलाते हुए हम सारी बूंदी बना ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजिली बहुत ही आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। घर के ही सामान से हम जो है बाजार जैसे बिल्कुल मज़ेदार सी हम मिक्स नमकीन बना सकते हैं। तो ये देखिए बूंदी हमारी जो है अच्छे से तल गई है, हम इसे जो है अब निकाल ले रहे हैं। तो हम इसे निकालने के लिए छन्नी का यूज़ करेंगे, तो छन्नी में क्या होगा कि बहुत अच्छे से सारी बूंदी निकल आएगी और तेल भी अच्छे से जो है निकल जाती है। तो ये देखिए इसी तरह से हम छन्नी से निकाल ले रहे हैं बूंदी को। और अब हम जो है येलो वाली हम बूंदी बना ले रहे हैं, तो उसी सेम प्रोसेस हम इसे भी बना ले रहे हैं। येलो बूंदी भी हमारी फ्राई हो गई और अब हम चने के दाल को फ्राई कर ले रहे हैं। तो चने को दाल जब हम तेल में डालेंगे और जब ये ढेर सारे बबल्स बनने लगते हैं, जैसे जैसे ये बबल्स कम होंगे तो समझ लीजिए हमारी दाल अब जो है अच्छे से क्रिस्पी हो रही है। तो हमें बीच बीच में चलाते रहना है और आप देख सकते हैं ये जो बुलबुले थे बिल्कुल से ख़त्म हो गए हैं और अब हम इसे जो है निकाल लेंगे। तो ये दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, अंदर तक क्रिस्पी करारी हो गई है और हमने अब चने की दाल को जो है तल लिया है। और इसके बाद हम साबुत मसूर की दाल को भी तल ले रहे हैं, तो इसे भी हमें उसी तरह से तलना है। ये आप जो बबल्स नज़र आ रहे हैं जब ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाएंगे तब हमारे जो है ये मसूर की दाल भी अब जो है अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, हम इसे भी निकाल ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमें छलनी में निकाल लेना है, तो बहुत ही आराम से सारी दाल निकल आती है छलनी से। तो ये देखिए चने की दाल मसूर की दाल जो है फ्राई हो गई है और अब हम थोड़ा सा जो है एक कप हम जो है पोहा भी फ्राई कर ले रहे हैं। तो हम छन्नी में रख के पोहे को फ्राई करेंगे, तो इसी तरह से ये बहुत ही आराम से जो है फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने सारे जो है पोहे को भी फ्राई कर लिया है और अब हम जो है इसमें तल ले रहे हैं इसको मूंगफली के दाने, सींग दाने जिसके बोलते हैं, तो इसे भी हम अच्छी तरह से जो है डीप फ्राई कर ले रहे हैं। और जब हमारी मूंगफली अच्छे से हो जाए तो हम उसे भी एक छन्नी में निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद अब हम जो है इसे हम एब्जॉर्ब पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो उस पर सोख ले। और हम थोड़ा सा इसमें काजू और किशमिश और थोड़ा सा हम गरी भी डालेंगे, तो इन्हें भी हमें हल्का हल्का सा जो है इसमें तेल में तल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल हमें फ्राई करना है इसे। और किशमिश इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है हमने फ्राई कर लिया है। नमकीन में डालने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स थे हमने सबको फ्राई कर लिया है और ये देख सकते हैं हमने जो है
इसे बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से जो है बना लिया है। और हमने तीन तरह का सेव बनाया है और सभी बहुत ही अच्छे बने हैं। ये दो तरह की बूंदी है, ये चने की दाल है, मसूर की दाल है, और ये पोहे हैं और मूँगफली के दाने हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। और फिर हम लेंगे एक थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें जो है सेव को डालेंगे और हल्के हाथों से इसे हम तोड़ देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही आराम से ये टूट जा रहे हैं, इस तरह से हमें तोड़ देना है। और आप देख सकते हैं हाथ में भी बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहे हैं और ये बहुत ही कुरकुरे बने हैं। और इसके बाद हम इसमें बूंदी डाल देंगे। बूंदी डालने के बाद हम इसमें जो है सारी जो हमने दाल तली हुई थी, फ्राई की थी, इन सबको हम डाल देंगे। और जो है सारा सब कुछ डालने के बाद, तो फ्रेंड्स हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया, हम अभी चेंज कर लेंगे, हम दूसरा बड़ा बर्तन ले ले रहे हैं। हमें मसाले मिलाने में दिक्कत होगी तो हमने बर्तन को चेंज कर लिया है। और अब हम इसमें जो है इसमें हम मूंगफली के दाने को डाल दे रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दे रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा बचा लेंगे हम ऊपर गार्निशिंग के लिए। और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम देख लेते हैं मसाले में हमने क्या क्या लिया है। तो हम लेंगे यहाँ एक चम्मच हम काला नमक ले रहे हैं, एक चम्मच हम जो है भुने हुए ज़ीरा और लौंग इलायची का पाउडर ले रहे हैं, एक चम्मच हम जो है चाट मसाला ले रहे हैं, और आधा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं, और ये जो है हमारे पास ये पुदीने का पाउडर, हमने घर में ही जो है पत्ती को सुखा करके पीस करके बनाया है। ये बिल्कुल फ्रेश पुदीने की पत्ती है। और डेली खाने वाला सिंपल ये सफ़ेद नमक ले ले रहे हैं हम एक चम्मच, और एक चम्मच यहाँ पर हम किसी लाल मिर्च लेंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम जो है इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम जो है इसे एक छन्नी में रख करके हम नमकीन में मिलाएंगे। तो इस तरह से हमें इसमें जो है अच्छे से इस तरह से मिला देना है। और ये आप चाहे हाथों से मिला लें, नहीं तो आप इस तरह से चम्मच से मिला सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो है बाजार जैसी ये बिल्कुल मिक्स नमकीन बनकर के तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, ये आप मेहमान को भी दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।